कार्ल डेंके पोलैंड का रहने वाला था। वो अपने समाज का एक समझदार इंसान था, पर लोगों को ये नहीं पता था कि वो इंसानों को मारकर उनका अचार और बेल्ट में बदल रहा है। इसने 42 से ज्यादा लोगों की हत्या की। डेंके एक दुकान चलाता था जिसमें वो पोर्क का अचार और कब्रों के सिरहाने वाले क्रॉस बेचा करता था। अपने रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार के लिए बाहर से आए लोगों को डेंके अपने घर पे आने के लिए दावत देता था, पर वो जिंदा वापस नहीं आते थे। उसने उनको मारकर उनका अचार बनाया और उनको पोर्क का बोल के बेचने लगा। 21 दिसंबर 1924 ओलिवर नाम का आदमी सड़क पर भाग रहा था और उसके सिर पे किसी ने कुल्हाड़ी से वार किया हुआ था। पुलिस ने तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उसने पुलिस को बताया, कार्ल डेंके नाम के आदमी ने मुझ पर हमला किया है। पुलिस जैसे ही उसके घर पहुंचती है, डेंके पुलिस को देखकर फांसी लगा लेता है। पुलिस को उसके घर में बहुत सारे मानव अंग मिले जिनको वो खाया करता था।